A cloud burst that caused a landslide cut off the Malana village from Kullu. A three-story vegetable market and several shops have been destroyed just a few kilometers away from the Kullu town. NDTV traveled from the devastation in Mandi to Kullu en route the Pando Dam that has helped save lives and property. Warning signals and regular sirens from staff here has kept the people on alert. NDTV team has moved from Mandi towards Kullu to show that how the damage has been taken place because of a flood in Himachal Pradesh. We have reached at a Pando Dam at this point of time. We have seen a huge water was being stored here, and after that there are some gates from where this water was being released from Pando Dam. And what we have learned during the flood-like situation, they give a siren from this place, and they give three times siren from this Pando Dam to just indicate the resident that the situation is not under control and the water being released from this place. A building built on the banks of the Parvati and Beas rivers has borne the brunt. Locals say a retaining wall could have saved the structures. Collapsing of building which has taken place because of water pressure, and especially when there was flood-like situation. So we will talk to him. तो आपका क्या नाम है जी? शंकराम जी. शंकराम जी, ये आपकी दुकानें थी. चलो लकली यहाँ पे कोई नहीं था और ये सारी की सारी बिल्डिंग क्लैप्स होगी. तो कैसे हुई, क्या वाटर प्रेशर से हुई, इतना पानी आ गया? पानी आज ही, पानी में लकड़ ज्यादा आए, पेड़ों के पेड़ आ गए पूरे, मतलब उन पेड़ों की वजह से सारी चले गई. तो कितना नुकसान हो गया आपका यहाँ? तो इस टाइम पर 45 लाख से है जी. दिस इज नॉट दी ओनली बिल्डिंग विच हैज कोलैप्स इन दी एरिया. In the same district, there was a three-story vegetable market where the whole building got damaged within a few minutes. ये जो river पे थी, तो ये government की building थी, तो क्या पहले government इसके बारे में सोचती नहीं कि कभी भी यहाँ पे आगे, क्योंकि flood इस साल भी आए, पिछले साल भी आए और बहुत भारी नुकसान हुआ, तो कहीं ना कहीं ये लगता नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई human life loss तो नहीं हुआ, लेकिन building तो कह रहे 6 crore की करीब थी जो collapse होगी. जी, इसमें सच्चाई है कि यहाँ ये जो सब्जी मंडी की बिल्डिंग थी, ये हाल ही में फुली कंप्लीट इसमें जो है सुविधाएं थी, इसमें ये पानी की, शौचालय बहुत अच्छे थे, ये लिफ्ट का प्रावधान था, रूम्स वगैरह अच्छे बने थे, शॉप्स वगैरह अच्छी बनी थी जो 8 लोगों को जो है अलॉट की हुई थी, और एक भव्य इमारत जो कि सामने उसका आधा पोर्शन जो है यहाँ बचा हुआ है, आधा जो पोर्शन जो है दरिया में चले गया. रिटेनिंग वॉल वुल नहीं लगाई थी? रिटेनिंग वॉल पिछले साल नहीं लगाई, कंक्रीट नहीं लगाई थी, नहीं लगाई गई, उसी कारण जो है ये बिल्डिंग चले गई. अदरवाइज यदि चैनलाइज ठीक से हुआ होता तो ये बच सकती थी. इन द कुल्लू सिटी रेजिडेंट्स ब्लेम द अथॉरिटीज फॉर एलिजिबली नॉट चैनलाइजिंग द रिवर वाटर्स. द बिग वरी इज द फ्लडिंग ऑफ द कुल्लू ले हाईवे दैट इज यूज्ड बाय द आर्मी. डैमेज टू द हाईवे कुड इनकन्वीनियंस द पीपल ऑफ ले एंड ऑल्सो क्रिएट सिक्योरिटी कंसर्न्स. जब फ्लड्स आते हैं तो बहुत नुकसान होता है यहाँ, और उसी वजह से सरकार ने यहाँ पर करोड़ों रुपए की प्रपोजल बनाई है इसको चैनलाइज करने की, लेकिन वो कागज़ों में ज़्यादा है और धरातल पर कम है. लेकिन फिर भी कुछ जगह पे कुछ काम हो रहा है, जहाँ जहाँ इसकी प्रोटेक्शन का काम हुआ है रिवर बैंक पे, तो वहाँ इससे काफ़ी सेफ्टी है. जब कुल्लू टाउन को ले लीजिए, उससे काफ़ी सेफ हुआ है. तो ये जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये यहाँ पर जहाँ जिसमें नदी बह रही है, या फॉरेस्ट की नर्सरी हुआ करती थी और बड़ा सुंदर जंगल हुआ करता, तो रिवर कोर्स तो दूसरी तरफ को था. लेकिन ये बार बार यहाँ बारिश में बरसात के कारण जो है वो डैमेज होता चला गया. तो हमारी सरकार से ये डिमांड है कि जो ये चैनलाइज का जो प्रोग्राम है उसको स्पीडअप किया जाए, नहीं क्योंकि हर साल चैनलाइज पे शायद पैसा कम खर्च होगा, लेकिन जो प्रॉपर्टी लॉस हो रही है, जिसमें पब्लिक प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो उसको सेव करने के लिए चैनलाइज का काम जल्द से जल्द किया जाना चाहिए. बाढ़ आई है, इस बाढ़ से भी नुकसान जो है, अभी दरिया जो है परली साइड को थी, लेकिन अब ज़्यादा पानी इस तरफ को ही आ रहा है. कुछ तस्वीरें भी आपके वर्ष 2018 की हैं. ये जो है सुंदर पार्क जो है, जिस एरिया पे हम खड़े हैं वही है ये? बिल्कुल सर, बिल्कुल. ये पंचायत ने बनाया हुआ पार्क था, यहाँ से पंचायत का रेवेन्यू भी आता था,
लेकिन दुर्भाग्यवश ये 2018 में बाढ़ के कारण चला गया है। वो जो सामने ये सामने था, ये दरिया जो है इस पार्क से उस तरफ को थी। ठीक है, हाँ जी, ये है सर, यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है और एकमात्र यही रोड है जो सबको जोड़ता है, आर्मी वालों को भी जोड़ता है, सबको, लाहौल स्पीति, पांगी, चंबा, सबको जोड़ता है। अगर ये रोड ही चला जाएगा तो सब व्यवस्था ठप हो जाएगी। विलेजर्स फ्रॉम कुल्लू एंड स्पेशली दे आर सेइंग डिवर्शन ऑफ दिस रिवर इज वन ऑफ द मेजर मेजर रीजन फॉर डैमेजिंग ऑफ दिस प्रॉपर्टी। दे से दिस वाटर हैज नॉट ओनली डैमेज दिस प्रॉपर्टी वेयर वी आर स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट इट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड अफेक्टिंग द नेशनल हाईवे, एंड इफ नेशनल हाईवे इज गोइंग टू बी डैमेज, इट विल अफेक्ट द लाइफ ऑफ द पीपल टिल लेह लद्दाख, मनाली एंड अदर प्लेसेज ऑल्सो। सो लेट सी वेदर द गवर्नमेंट इज गोइंग टू लर्न एनी लेसन एंड वेदर दे आर गोइंग टू इन्फोर्स चैनलाइजेशन ऑफ रिवर सो दैट दे विल बी एबल टू अवॉइड सच टाइप ऑफ ट्रेजिडीज in Himachal Pradesh. The district administration blames the devastation on the cloudburst and says there is concern about hydro projects in the area. For now, the focus of the administration is to restore normalcy as soon as possible. Where the cloudburst water happened the same night, the same 1st August, was in the Manikaran Valley, जहाँ अभी भी situation सबसे sensitive मैं बोलूँगी। तो मणिकरण में दो हमारे हाइड्रो प्लांट्स हैं, मलाना 2 और मलाना 1। मलाना में हमारे ऊपर की कनेक्टिविटी उस रोड की चली गई है, तो वहाँ पे हमने रिस्पांस में वी हैव सेंट टेलीकॉम कनेक्टिविटी हमने रिस्टोर कर दी है। विद गुरप्रीत सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।